आपके लाइव न्यूज चैनल। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। लोक सेवकों के साथ काम करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव है। पहले 15 साल विधायक सांसद के रूप में लोक सेवकों के साथ ही काम किया और 15 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में आपके साथ काम कर रहा हूं। मैं आज खुले मन से गर्व के साथ और प्रसन्नता के साथ ही कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की इस टीम पे मुझे गर्व है। मुझे याद आता मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, मेरे दिमाग में बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए। मैंने कहा, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इकबाल जी, अनुराग जैन थे, मैंने कहा एक ऐसी योजना बनानी है। अब पहले पहले जब कहा तो लगा कि ऐसी योजना कोई बन सकती है क्या, जिसमें बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। लेकिन इसी टीम के बल पे हमने लाडली लक्ष्मी बेटियां बनाई और आज 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है और उस योजना का हर एक राज्य ने अनुसरण किया, लगभग कोई भाग्य लक्ष्मी के नाम से, कोई और किसी नाम से। लेकिन जब इंप्लीमेंट करने का मामला आता है तो फिर सिविल सर्विस के अधिकारी ही करते हैं। आप में से कई को याद होगा पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। प्रारंभ में यह विचार आया कि कोई सिटीजन चार्टर तो है, लेकिन उसमें जो अधिकार दिए गए हैं अगर वो निश्चित समय सीमा में ना मिले तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। अब हमारी टीम ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोचा कि इसको कानून बना दो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया मध्य प्रदेश में, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया, आप सब जानते हो, और बाद में मुझे लगता हर एक राज्य ने अपनाया उसको। हमारे दिमाग में जनता के बीच से आइडियाज आते हैं, आइडियाज आपके दिमाग में भी आते हैं, हम लोग शेयर करते हैं और शेयर करके एक योजना के रूप में जनता को लाभान्वित करके कई बार लोगों की जिंदगी बदल देते हैं, देश की राह बदल देते हैं। और इसलिए मैं तो ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब जब जो सोचा मिलकर हम लोगों ने विचार किया, योजनाएं बनाई और क्रियान्वित कर दिया। सोच विचार क्षमता सबकी एक समान नहीं होती, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, काम करने की स्टाइल में अंतर होता है। अभी केमिस्ट्री बिल्डिंग कमीशन के सदस्य बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, सचमुच में अद्भुत नेता है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है इतनी सब दिशाओं में कैसे सोचते हैं। अब मिशन कर्मयोगी उन्होंने शुरू किया, आप कर्मयोगी हैं, लेकिन एक बात हम सबके दिल और दिमाग में है भी और रहनी भी चाहिए कि सिविल सर्विस केवल कैरियर नहीं है, ये तो देश के निर्माण का अभियान है, ये जनता की सेवा का अभियान है। पैसा कहीं और से भी मिल सकता था, ज्यादा पैसा मिल सकता था, विदेशों में सेवा कर सकते थे, लेकिन ये रास्ता अगर हमने चुना है, हम किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, सेवा का रास्ता, तो हमने केवल कैरियर के लिए नहीं चुना। जो दायित्व हमारे ऊपर है उसका बेहतर निर्वाह करते हुए जनता की सेवा करने के लिए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए तय किया है। आज सिविल सर्विस डे है, सभी लोक सेवकों को बधाई। और हम सब जानते हैं कि चुनी हुई सरकार नीति बनाती है, योजनाएं बनाती है, उसका क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना ये हमारी सिविल सर्विसेज करती हैं, लोक सेवक करते हैं। देखते रहिए कुछ आप लाइव न्यूज चैनल, आगे की खबर जारी रहेगी।